सोरेन की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर आज एक्शन हो रहा है। झारखंड और राजस्थान में 10 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। रांची में हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार के घर भी तलाशी जारी है। हजारीबाग के डीएसपी के घर भी ईडी ने कार्रवाई की है। साहिबगंज से डीएम के घर भी ईडी की टीम पहुंची है। तो इस वक्त हमारे साथ सहयोगी शोएब रजा जुड़े हुए हैं। डीएम भी ईडी के टारगेट पर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि ईडी के निशाने पर बहुत सारे चेहरे हैं, अब डीएम भी निशाने पर। बिल्कुल, देखिए डीएम, डीएसपी और जो प्रेस सलाहकार है, तमाम जो करीबी है, जिन लोगों को पर भी ये शक है ईडी को कि इन लोगों ने मदद की है बचाने में या किसी भी तरह से, तो उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो एक तरफ कानूनी कार्रवाई चल रही है ईडी की, दूसरी तरफ जो राजनीतिक हलचल है बहुत ज़्यादा तेज रांची में इस वक्त नजर आ रही है। कांग्रेस का जो ऑफिस है रांची में, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ विधायक और जो सीनियर नेता है कांग्रेस के, उनकी मीटिंग शुरू होने वाली है कुछ ही देर के बाद। यहाँ जो सरकार में मंत्री है वो भी पहुंचे हैं और उसके बाद मीनाक्षी 4:30 बजे जो मीटिंग है उसमें सभी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन और खासतौर पर जो महागठबंधन झारखंड में है, चाहे कांग्रेस हो या फिर जेएमएम और आरजेडी, सभी विधायकों को बुलाया गया है। पहले यह खबर थी कि शायद जेएमएम के विधायक जाएंगे, ऐसा नहीं है बल्कि सभी पार्टियों के विधायक हैं। उसके बाद ये जो चर्चाएं हैं वो और ज्यादा तेज हो चली है, क्या नेतृत्व परिवर्तन या चेहरा जो परिवर्तन करने की बात लगातार जो चर्चा है वो हो रही है, क्या ऐसा होने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियों के जो विधायक है उनको बुलाया गया है और लगातार जो विधायक और मंत्री है। आप बने रहिए शोएब हमारे साथ, हलचल बहुत तेज है रांची की, कोई दो राय नहीं, करीबियों पर तो एक्शन हो ही रहा है, खुद हेमंत सोरेन पर भी ईडी के गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लैंड डील से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने सुमन भेजा और उनसे पेशी का समय और जगह बताने के लिए भी कहा। गिरफ्तारी से डरे हुए सोरेन आज जेएमएम विधायक दल की बैठक बुला रही हैं और आज शाम, जैसा कि हमारे संवाददाता शोएब ने बताया, कि 4:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। खबर है कि नए सीएम पर मंथन हो सकता है और अटकलों के मुताबिक हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हेमंत सोरेन को ईडी अब तक 7 बार सम्मन दे चुकी है और 7 सम्मन पर वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं।